नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आप भी गंदे नोटिफिकेशन की वजह से परेशान हैं, आपके फ़ोन में गंदे गंदे नोटिफिकेशन आते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस तरह का नोटिफिकेशन आपके भी फ़ोन में आते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके काम के और लास्ट तक इसे वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में यही आपको बताऊँगा कि इस तरह के नोटिफिकेशन को कैसे बंद करें। तो इसके लिए आपको ओपन करना होगा क्रोम ब्राउज़र को। क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस तीन लाइन पे, और तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आ जाइएगा सेटिंग में। दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमें एक पॉपअप मैसेज शो होता है अलाउ नोटिफिकेशन का, तो वहाँ पे हम जाने अनजाने में क्लिक कर देते हैं अलाउ पे, जिससे वो वेबसाइट हमें बार बार नोटिफिकेशन देने लगती है। तो इसे बंद करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं साइट सेटिंग में। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइट सेटिंग, तो इसे आप ओपन कीजिएगा। अब साइट सेटिंग पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशंस का, यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशंस, तो आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पे अब आप जितने भी वेबसाइट के नोटिफिकेशन को ऑन किए रहते हैं उन सभी का यहाँ पे डिटेल मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे 9 वेबसाइट को सिलेक्ट किया हूँ, इसका नोटिफिकेशन हमें आता है, और उसके बाद यहाँ पे 7 वेबसाइट का नोटिफिकेशन को डिसेबल कर रखा हूँ, ब्लॉक कर रखा हूँ। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने वेबसाइट है जो हमें नोटिफिकेशन सेंड करते रहते हैं, और गंदे गंदे नोटिफिकेशन आते हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप टोटल वेबसाइट को नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आप इसे ऑफ कर दीजिएगा, जिससे आपके इन सारे वेबसाइट के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम कुछ वेबसाइट ऐसे सिलेक्ट किए होते हैं, कुछ वेबसाइट ऐसे सब्सक्राइब किए रहते हैं जिनका नोटिफिकेशन हमारे लिए जरूरी होता है, तो पर्टिकुलरली उस वेबसाइट को हम हटाना चाहते हैं, पर्टिकुलरली हम उस नोटिफिकेशन को हटाना चाहते हैं जो गंदे हो, वो नोटिफिकेशन हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इस वेबसाइट के नोटिफिकेशन को हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा क्लियर एंड रीसेट। इसके बाद आपको फाइनली क्लिक कर देना होगा क्लियर एंड रीसेट। इसी तरह से आप जिन जिन वेबसाइट को हटाना चाहते हैं, उसके नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लियर एंड रीसेट आप करते जाइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सारे वेबसाइट के नोटिफिकेशन बंद हो जाए, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिएगा। दोस्तों इस ट्रिक की मदद से आप सिर्फ क्रोम ब्राउजर की नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं, बाकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन पूरी तरह से बंद हो जाए, किसी भी वेबसाइट से या फिर किसी भी ऐप से नोटिफिकेशन ना आए, तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।